brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. आज मेरे दिल ने कहा कि कह दे उससे कि तू करता है उससे प्यार. आज मेरे दिल ने कहा कि कह दे उससे तू करता है उससे प्यार. पर मन ने कहा कि दोस्ती टूट जाएगी यार. लेकिन दिल ने कहा कि तू उसकी आंखों में डूब जाता है हर बार. उसकी जुल्फों में खो जाता है हर बार. उसकी एक मुस्कुराहट से अपने सारे दर्द भूल जाता है हर बार. पर मन ने कहा कि अक्सर एक तरफा प्यार खा जाता है मार. पर मन ने कहा कि अक्सर एक तरफा प्यार खा जाता है मार. लेकिन दिल ने कहा कि शायद भूली करती हो तुझसे प्यार. पर मन ने कहा कि याद है तुझको, याद है तुझको. उसने कहा था कि उसके पास एक अच्छा सा यार. लेकिन दिल ने कहा कि कुछ ऐसी बातें भी थी जो उसने सिर्फ तुझसे कही थी और कहा था किसी को मत बताना यार. पर मन ने कहा कि उसके जैसी तो तुझे कितनी मिल जाएगी, तू उसको भूल जाना यार. लेकिन दिल ने कहा कि तू उसको नहीं भूल पाएगा. ये वही है जिसका जिक्र तू करता है अपनी कविता में हर बार. जिससे तू करता है बेइंतहा प्यार, बेइंतहा प्यार. तो किसकी सुनो, दिल की या मन की? आवाज सुनाई नहीं दे रही. किसकी सुनो? दिल की. मैंने भी अपने दिल की सुना और सोचा कह दूं उसे अपने दिल की बात. तो सब लोग अपने दिल की बात इजहार कैसे करते हैं? फूल देके, रोज देके, रिंग देके. मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था. मैंने उसके नाम की चॉकलेट बनाई अपने हाथों से. न जाने क्यों मुझे तेरी आदत सी हो गई है. न जाने क्यों तू मेरी हर कविता की आयत सी हो गई है. न जाने क्यों तू मेरी जिंदगी में कौन सा जादू लाई थी. न जाने क्यों मैंने उस दिन बड़े प्यार से तेरे लिए चॉकलेट बनाई थी. और इत्तेफाक से उसी दिन तू मेरी गलियों में आई थी. पर साथ में न जाने अपने संग किसको लाई थी. वो चॉकलेट मुझे अपने हाथ से तुझको खिलानी थी. उस दिन मुझे अपने दिल की बात तुझे बतानी थी. लेकिन जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, न जाने क्यों मेरी वो चॉकलेट पिघल गई थी. वो तुझे तेज चलने को कह रहा था, लेकिन तू धीरे चल रही थी. क्योंकि उसे नहीं पता था तुम्हारे दाहिने पैर में चोट आई थी. पर कुछ सवाल है तुझसे, आखिर तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई थी. न जाने क्यों कोई पराई अपने लगने लगी थी. न जाने क्यों तेरी गाली भी मीठी लगने लगी थी. न जाने क्यों मुझे लगता था कि तू अपने सुख और दुख की बातें सिर्फ मुझे बताया करती थी. न जाने क्यों तेरी खुशी में ही मेरी खुशी थी. और हाँ, वो चॉकलेट बड़े प्यार से बनाई थी. तो बस कुछ दिन बाद उसका एक खत आया. खत में कुछ ये सचमुच उसका ही खत आया. कुछ दिनों बाद मेरे घर पे एक खत आया. खत में तो बहुत कुछ लिखा था, लेकिन किसने भेजा वो कुछ भी नहीं लिखा था. हाँ, लिखा था एनोनिमस. आज तूने रुला दिया अपनी कविता की बातों से. वो चॉकलेट मुझे तू ही खिलाएगा अपने हाथों से. जिंदगी मकसद भी है, बेमानी भी है. जिंदगी लम्हा भी है, कहानी भी है. जिंदगी सिर्फ ठाकों की इमारत नहीं, आंखों का पानी भी है. मैं कब से वो बात तुझे बताना चाहती थी, नहीं बताई क्योंकि मैं उसे भूलना चाहती थी. हाँ यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड था. सिर्फ नाम का था, मतलब का था. बस कुछ महीने पहले ही उसने ब्रेकअप किया था. पूछने पर बड़ा अजीब सा कारण दिया था. कहा कि तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था. छोड़ना, मैं उसे भूलना चाहती हूँ यार. चल अब माफ कर देना यार. तू चला गया ना तो मैं अचिंदर से सचमुच टूट जाऊंगी यार. यार ये जीएफ बीएफ के रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं. इससे अच्छे तो दोस्ती के रिश्ते हसीन होते हैं. प्यार हमें रोना सिखाती है, दोस्ती हमें हंसना सिखाती है. प्यार दर्द सुनना जानती है, दोस्ती दर्द मिटाना जानती है. प्यार में जुनून है, दोस्ती में सुकून है. और ये सुकून मैं अपनी जिंदगी में कभी खोना नहीं चाहता. इसलिए मिलन, मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ना नहीं चाहता. चल अब माफ कर देना यार, मुस्कुरा देना यार. और वो चॉकलेट मुझे तू ही खिलाएगा मेरे यार. थैंक यू.